नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बिंद्र कौशल है। ये मेरा बाइक से रिलेटेड पहला वीडियो है। आज मैं आपको इसमें किक स्प्रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो ये प्लेटिना ES न्यू मॉडल है, इसमें मुझे एक खासियत लगी फ्रेंड्स। वो खासियत ये है फ्रेंड्स, इसका जो किक स्प्रिंग है, हम जो क्लच कवर होता है उसको खोलकर ही बाहर से ही डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम स्प्रिंग बाहर से ही डाल सकते हैं। जो आपने पहली डिस्कवर सो या दूसरी अन्य बाइक्स देखी हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पूरा का पूरा इंजन ही खोलना पड़ेगा सर फ्रेंड्स, लेकिन इसमें कंपनी ने नया बदलाव किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम ये आई है फ्रेंड्स, ये इसका स्प्रिंग ये टूटा नहीं हुआ है। इसका जो पिछले वाला हिस्सा था, ये लॉक वाला, ये फ्रेंड्स बाहर निकल गया था, जिससे इसके किक में प्रॉब्लम आ गई थी। फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए आपको एक वीडियो के जरिए बताया जाए कि अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा इंजन ही नहीं खोलना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, इसके लिए आपने पूरा इंजन की खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे क्लच कवर खोलकर ही इसे डाल सकते हैं। जैसे आप जो प्लेटिना ओल्ड मॉडल है फ्रेंड्स, या CT100, उसमें ऐसे ही डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप इस वीडियो में इसका स्प्रिंग को डालते हुए देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखकर बताएं। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। दोबारा फोन कर देना।